गाइस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 34। जबरदस्त। देखो अगर आपको फॉर्मूले पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में एक अलग ही मजा आ जाता है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आसान भी लगता है। और मेरी वीडियो फॉर्मूला भी याद करा देती है, कॉन्सेप्ट भी सिखा देती है, कैलकुलेशन भी सिखा देती है, सब चीज़ सिखा देती है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एट वॉट टेम्परेचर विल द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट लैम्प, अरे कलर चेंज कर ले बछुआ, 100 वॉट लैम्प ऑपरेट। हमसे कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर आप एक 100 वॉट लैम्प के बल्ब को या फिलामेंट को ऑपरेट करोगे इफ इट इज सपोज टू बी अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया 1 cm². अगर आप फिलामेंट को एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान लो, और जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है तो उससे जो एनर्जी एमिट होती है उसका फॉर्मूला ये है, अरे आजा, ये है E = σT⁴ एरिया इंटू टाइम। ठीक है, तो आपसे यही पूछा एट वॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछ रहा, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन और देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन मैंने लिख दिया आपको, जो जो दे रखा है गिवेन दैट, जो जो दे रखा वो आप लिख लो। आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है बता देंगे। और वहीं अगर आपको ये देखा जाए, देखो वॉट पावर दे रखी है आपको, तो पावर आप देखेंगे 100 वॉट। इसको वॉट को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि वॉट जो होता है जूल पर सेकंड होता है। इसको अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10^7 से मल्टीप्लाई, अब ये हो जाएगा अर्ग पर सेकंड, मतलब CGS यूनिट पावर की। ठीक है भाई, अब आगे देखो, टेम्परेचर आपको पता है नहीं, पूछ रहा है, पावर दे रखी है और एरिया आपको गिवेन है 1 cm², तो ये भी CGS में, ये भी CGS में, टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा केल्विन में। आगे देखो कैसे, अब आपको पता है कि पावर दे रखी, तो टाइम को जब एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये पावर बन जाती है, जिसकी वैल्यू होगी σT⁴ इंटू एरिया। ठीक है, आपको पता है पी बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो σT⁴ इंटू एरिया, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। तो एक काम कर लें, आपको पता सिंस पावर इज इक्वल टू होता है σT⁴ इंटू एरिया, आपको क्या क्या दे रखा है, पी भी दे रखा है बिल्कुल, एरिया दे रखा है बिल्कुल, सिग्मा ये तो आपको पता ही है, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू है और ये फॉर्मूला भी स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन्स लॉ आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, पी इज इक्वल टू σT⁴ इंटू एरिया। ये आपको कितना दे रखा है, 100 × 10⁷, इसका मतलब होता है 10⁹। सिग्मा इसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻¹⁵ अर्ग पर cm² पर सेकंड पर केल्विन की पावर 4, इसका यूनिट T⁴ ये एज इट इज रहेगा और ये 1 दे रखा आपको एरिया। T⁴ ये तो आपको चाहिए, ये डिवाइड मारा आ जाएगा, तो 10⁹ को डिवाइड कर दोगे 5.67 × 10⁻¹⁵ से, ये माइनस का पावर ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10⁹ + 5 10⁴ हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 10⁴ / 5.67 ये हो जाएगा T⁴। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, T⁴ ये किसके इक्वल है, 10⁴ / 5.67, पॉइंट हटा दोगे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, तो T⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁴ / 5.67। T⁴ इसको आप कह सकते हो, देखो अब एक काम कर लो, ये T⁴ है, पावर जब इक्वल के दूसरी साइड में जाती है तो वो क्या हो जाती है, कुछ इस तरह से डिवाइड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये 5, 6, 7 के डिवाइड में इस तरह से आ जाएगा 1/4। होप सो समझ में आ गया होगा, अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर 2^2 है और इधर x चल रहा है तो 2 = हो जाता है √x, पावर रूट में चली जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि x^2। तो ये वाली बात बेसिक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये पावर कट जाएगी 4×16 4 बार, तो ऊपर बचेगा 10,000, ऊपर का पावर सॉल्व हो गया। अब देखो 5, 6, 7 की पावर 1/4 का मतलब ये है कि आप 5, 6, 7 के इक्वल टुकड़े करोगे 4 बार। अगर किसी की पावर हाफ है, किसी की पावर देखो
मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, बड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ 2 × 2 × 2 और इसकी पावर 1/3 है। तो देखो 1/3 है और यहाँ 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो 3 बार है तो ये 3 हो, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वहीं अगर मैं ये कह देता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर 1/3, तो सिर्फ 3 बार 2 जो है ये 2 की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन एक 2 जो बचेगा उसकी पावर 1/3 कुछ ऐसे रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही भी होता है कि अगर किसी के ऊपर 1/3 लिखा हुआ है तो अंदर जो मल्टीप्लाई होनी चाहिए सिमिलर क्वांटिटी की, वो 3 बार होनी चाहिए ताकि वो एक बार बाहर निकल सके। देखो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2 × 2, तो इसका पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई भी चीज़ अगर उसकी 2 बार मल्टीप्लाई है तो वो एक बार बाहर आ सकती है, 2 बार मल्टीप्लाई है तो एक बार बाहर आ सकती है। इसको आप ये भी तो कहते हो 2 × 2, पावर हाफ का मतलब रूट भी तो होता है, तो आप बात कह सकते हो कि रूट 4 की वैल्यू तो यार सही है 2 ही होती है। तो ये एक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, आप इनको समझने की कोशिश करें, ये मेरा काम नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब ये 5, 6, 7 है, ठीक है, इसके आपको 1/4 पार्ट करना है। तो एक काम करो, अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो 4 × 16, देखो अगर मैं इसके टुकड़े कुछ इस तरह से करता हूँ, 4 × 16, 16 × 64 और 64 × 256, तो वैल्यू 256 तक सिमट जाएगी। अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 × 25, 25 × 25, 125 और 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 625 आ रहा है, तो 625 तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 567 से, और 256 कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो आएगी वो 4.85 के आसपास आ जाएगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लें। तो कहीं ना कहीं अगर आप 4.85 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 567 आ जाएगी, चाहे आप करके देखें। ये मैं भी अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना है, मैं भी अप्रोक्सीमेट, तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको 4.85, कितना कह सकता हूँ, 4.85। तो आप ये वाली बात ऐसे कहेंगे, टी इज इक्वल टू 10,000 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 4.85, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये 4.85। अब आप डिवाइड कर लो, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो आ जाएगी लगभग अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो ये 2000 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि 4 × 2 = 8, हाँ तो 2000 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि 2000 का जब 400 टाइम्स करोगे तब वैल्यू इतनी आती है, 2000 समथिंग आएगी वैल्यू, 2057 कितनी आ रही है, 2049, बिल्कुल सही, तो 2049 केल्विन, तो आपके पास टेम्परेचर आ चुका है 2049 केल्विन, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लें। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन पेचीदा रहती है 11th वाले, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू 12th वालों, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज हैं कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ही, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलो अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ।